लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत का मामला भले ही अब पूरी तरह नहीं सुलझा हो, पर इस मामले में SIT तेजी से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच कर रही SIT ने संदिग्धों की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। SIT ने घटना में शामिल कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। SIT ने लोगों से इन संदिग्धों के बारे में सूचना देने की अपील की है। सूचना देने वाले लोगों को उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। जी हां, SIT ने इंटरनेट मीडिया पर 6 फोटो जारी किए हैं। ये सारे फोटो तिकुनिया में बीती 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के दौरान के हैं। SIT का कहना है कि इन फोटो में जो संदिग्ध हैं वो घटना में शामिल थे। फोटो के साथ SIT ने आम जनता से अपील की है कि वो फोटो देखकर संदिग्धों की पहचान करके उनका नाम पता बताएं। ऐसा करने वालों की न सिर्फ पहचान गुप्त रखी जाएगी बल्कि उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले में दर्ज 2 अलग अलग मुकदमों में पहले किसानों की ओर से दर्ज मुकदमे की तेजी से जांच शुरू हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू समेत कुल 10 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बीते 2 दिन से इस मामले में दर्ज दूसरे मुकदमे जो भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत से संबंधित है उसकी जांच तेजी से की जा रही है।